बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो आज भी ना बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेकर के आ गई हूँ मैं आप लोगों की खिदमत पे। आपकी प्यारी बहन जो है ना वो हाज़िर है, तो प्लीज़ जस्ट यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो जो है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का टिप नंबर वन ये है, सर्व के पैकेट हो या किसी भी पैकेट हो ना, तो उसका कभी कभी हम लोगों को ना जार नहीं मिलता है, तो उसको हम लोगों को कैसे इस्तेमाल करना। बच्चे अगर इसे इस्तेमाल करते ना तो पूरा सारा कुछ ना वो मैसी करके रख देते हैं, गिरा करके वेस्ट करके रख देते हैं। तो इसे क्या कर लेना है ना, इस तरीके के ना जो हमारे पास बॉटल होते हैं उसका निचला पार्ट का तो हम लोगों को और भी कुछ उसमें हम लोग रीयूज़ कर लेंगे, पर इसका ऊपर वाला पार्ट जो है ना इस तरीके से अच्छे से इसमें फिक्स कर देना है। जी हाँ, आप एक टेप ले ले, कोई भी टेप ले ले, मेरे पास मास्किंग टेप था तो इससे मैं अच्छे से इसे ना फिक्स कर दूँगी। तो आपके पास अगर सेलो टेप या जो भी टेप है ना, ब्लैक टेप है, तो आप उससे इसे फिक्स कर दे अच्छे से, तो ये ना बॉटल की तरह बन जाएगा और थोड़ा सा भी आपका सामान जो है ना वेस्ट नहीं होगा, चाहे बच्चे डाले या बड़े डाले, जो भी डाले थोड़ा सा भी सामान जो है ना आपका वो वेस्ट नहीं होगा। देखिए ये जो है ये एकदम एक बॉटल जैसा हो गया है और अभी मैं आपको डाल करके इससे दिखा रही हूँ कि कैसे इससे गिरेगा। और आपको ये नहीं लगना है कि इससे इससे जो सर्फ है वो नहीं निकलेगा, बहुत बहुत ज़्यादा इजीली निकल जाएगा और जितनी की ज़रूरत है ना उतने ही आपको इससे इस्तेमाल के लिए आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए है ना ये कमाल का टिप। तो आप लोग भी इसी तरीके से अगर आपकी बॉटल जो है ना वो ख़राब हो गया तो ऊपरी वाला पार्ट को ना इस तरीके से करके आप एक अच्छे सा जार बॉटल कुछ भी आप इस तरीके का ना बना सकते हैं। तो अगर अच्छा लगे ना टिप्स तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए इस तरीके से कहीं पे भी सिर रख देना तो ये इजीली रह जाएगा और थोड़ा सा भी वेस्ट नुकसान नहीं होने वाला है इंशाल्लाह। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो टिप नंबर टू हमारा ये है ना ग्रेटर के हवाले से। ग्रेटर पहले भी इसकी शार्पनेस को बरकरार रखने के लिए मैंने आपके साथ जो है वो टिप्स यूज़ किया है, तो आज ये दूसरा है। तो आज क्या है ना, एल्युमिनियम फॉइल जो रहता है ना उसे इस तरीके के बॉल के शेप में बना ले, उसके बाद ना इसमें अच्छे से उसे ग्रेट करना है। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को कद्दूकस करते हैं ना, ग्रेट करते हैं ना, जस्ट वैसे ही एल्युमिनियम फॉइल को आप लोगों को इस तरीके से अच्छे से ग्रेट कर लेना है। सभी तरफ अच्छे से इसे आप ग्रेट कर लेंगे ना तो आप यकीन मानिए इसकी शार्पनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, आपको लगेगा ये आप न्यू ख़रीद करके ले आए हैं उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इसकी शार्पनेस जो है वो बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। और ये याद रहे फ्रंट साइड में करना है, बैक साइड में नहीं करना है, फ्रंट साइड में ही आप लोगों को अच्छे से ग्रेट कर लेना। देखिए ये बैक साइड में नहीं कीजिएगा, फ्रंट साइड में अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आप जब इसके शार्पनेस देखेंगे ना, ऑफ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा सा ये शार्प हो जाएगा और आपको नई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब जो है ना नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते ये भी बोल दूँ कि रिक्वेस्ट कर लूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये है ना गैस स्टोव के हवाले से है। स्टोव में ना इस तरीके के अगर हम लोग नॉट लगा लेना तो गैस अगर थोड़ा सा भी निकल रहा है, कभी कभी पाइप ना ढीला होता है जिसके कारण ना गैस जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, आहिस्ते आहिस्ते निकलता है, धीरे धीरे निकलता है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। पर अगर आप इस तरीके से लगा लेंगे ना तो आपके आपको गैस की पाइप को चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका गैस भी जो है ना वो सेव रहेगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके नॉट जो है ना वो मिल जाते हार्डवेयर स्टोर में, तो आप वहाँ से जा करके ये ख़रीद सकते हैं। तो चलिए टिप नंबर फोर की तरफ चलते हैं। तो टिप नंबर फोर आज का हमारा ये है ना केले के हवाले से। केला जब इस तरीके का हो जाता, कोई भी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसे इससे पहले भी आपको मैंने बताया था वीडियो में कि आप इसका पुआ वगैरह बना सकते हैं, मीठी रोटी बना सकते हैं, पर इससे ना आप मिल्क शेक भी बहुत ही मज़ेदार सा आप बना करके रेडी कर सकते हैं। ये आपका केला जो है ना वो वेस्ट भी नहीं होगा, काम में आ जाएगा। तो कैसा लगा टिप? कल फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।